दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों इंसान खुद चाहे जैसा हो लेकिन अपने लिए एक ऐसी गर्लफ्रेंड पत्नी या बॉयफ्रेंड और पति पाने की इच्छा रखते हैं या रखती हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाइयाँ हों। किंतु आजकल की लड़कियों को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं, लड़कों से क्या उम्मीद रखती हैं, कैसे लड़कों को अपना बॉयफ्रेंड बनाना पसंद करती हैं या कैसे लड़के से शादी करना पसंद करती हैं और लड़के में क्या खूबियां होनी चाहिए या लड़कों को एक सुंदर लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए और कैसे बॉयफ्रेंड को वह छोड़ देती हैं या धोखा दे देती हैं और कैसे बॉयफ्रेंड के साथ पूरे जीवन जीने की इच्छा रखती हैं। क्योंकि लड़कियों को समझना इतना आसान भी नहीं होता। चलो बताते हैं कि आपको उनसे कुछ भी करवाना है, उनकी निगाहों में असली हीरो बने रहना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर तरह की अच्छी जानकारियों वाली वीडियो और रिश्तों से संबंधित वीडियो आसानी से प्राप्त होती रहे। सबसे पहले हर एक लड़के को यह जान लेना चाहिए कि लड़कियों को प्यार करने से ज़्यादा प्यार जताने वाले लड़के और पुरुष पसंद होते हैं। यदि आप चाहे जितना उन्हें प्यार करें, चाहे जितनी वफादारी से उनके साथ रहें, यदि आपने प्यार जताया नहीं तो वे अक्सर सोचती हैं कि आपको उनसे न तो प्यार है न ही आपको उनकी परवाह है न ही चिंता। लड़कियों को अक्सर लड़के इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि लड़कियां अपनी तो इच्छाएं बताने के लिए इशारों का प्रयोग करती हैं जबकि लड़कों से उम्मीद रखती हैं कि वे अपना प्यार और इच्छाएं कहकर बताएं या व्यक्त करें। कभी कभी तो कई एक लड़के ऐसे हैं जो लड़कियों को चाहते रहते हैं, लड़कियों के इशारों का सही अर्थ नहीं लगा पाते जिसके चलते वे चाहते हुए भी लड़की को कभी प्रपोज नहीं कर पाते। जब लड़के उनके पीछे पीछे चक्कर काटते हैं तो लड़कियां कुछ ज्यादा ही भाव खाने लगती हैं। फर्स्ट नंबर, आपको लड़कियों का सम्मान करना चाहिए, उनकी बड़ाई करनी चाहिए, फिर चाहे वह आपकी बड़ाई और सम्मान करे या ना करे। जो लड़के इतना कर पाते हैं उन्हें लड़कियां जल्दी ही अपना बॉयफ्रेंड या पति बनाने के बारे में सोच लेती हैं। सेकंड नंबर, जो लड़के और पुरुष अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी की हर बात मानते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं, ऐसे लड़के और पुरुष उनकी पहली पसंद होते हैं। जो इतना कर सकते हैं ऐसे लड़के और पुरुष उनकी नज़रों में सच्चे हीरो होते हैं। थर्ड नंबर, ऐसे लड़के और पुरुष जिनके पास बहुत सारा धन है, हर तरह से शान शौकत उन्हें कराने की क्षमता रखते हैं, लड़कियों को महंगे गिफ्ट, महंगा मोबाइल फोन आदि देने की क्षमता रखते हैं, ऐसे लड़कों और पुरुषों के साथ लड़कियां भी बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं क्योंकि फैशन और मेकअप में तो उनकी जान बसती है। फोर्थ नंबर, जो लड़के और पुरुष उन्हें बाहर घुमाने ले जाते हैं और उनकी पसंद की चीज़ों को खिलाते हैं, उन्हें महंगे कपड़े, महंगी ज्वेलरी, महंगा फोन आदि गिफ्ट करने वाले लड़के भी उनकी पहली पसंद होते हैं। नंबर फाइव, ऐसे लड़के जो किसी भी लड़की को हंसाने की क्षमता रखते हैं, यदि उनका मूड खराब हो जाए तो चुटकियों में उनके चेहरे पर खुशी ला देने की क्षमता रखते हैं, ऐसे लड़के भी उनकी पहली पसंद होते हैं। क्योंकि हर एक लड़की अपने जीवन में दो ही चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण समझती है, वह चीज़ें हैं झोली भरकर प्यार और खुशी। जो लड़के इतना कर सकते हैं वही उनकी नज़रों में असली हीरो होते हैं क्योंकि वे अक्सर पिक्चरों में देखते हैं कि एक हीरोइन रूठ जाती है और हीरो पीछे पीछे घूमता है, ना जाने कितनी मनाने की मिन्नतें करता है, यही चीज़ें वे असल जिंदगी में भी पसंद करती हैं। नंबर सिक्स, ऐसे लड़के और पुरुष जो अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी के साथ उनके कामों में हाथ बटाने का काम करते हैं, ऐसे लड़के और पुरुष भी उनकी पहली पसंद होते हैं। नंबर सेवन, ऐसे लड़के और पुरुष जो उनके साथ भरपूर प्यार करने का समय निकाल ही लेते हैं, इसलिए खूब जमकर खाया पिया करो ताकि उनकी खुशी में कोई कमी ना रह जाए। नंबर एट, ऐसे लड़के जिन्हें मीठी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातें करना अच्छे तरीके से आता है, यानी कि वे मक्खनबाजी खूब कर लेते हैं,
वे भी उनकी पहली पसंद होते हैं। नंबर 9, ऐसे लड़के जो अपनी पत्नी और प्रेमिका के अलावा किसी दूसरी लड़की की ओर नहीं देखते, न ही उनके बारे में कोई बात करते हैं, ऐसे लड़कों में तो लड़कियों की जान बसती है। नंबर 10, ऐसे लड़के जो किसी काम को भी करने से पहले अपनी प्रेमिका और पत्नी की सलाह अवश्य लेते हैं। नंबर 11, ऐसे लड़के और पुरुष जो अपने घर परिवार से ज़्यादा अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी को महत्व देते हैं, ऐसे पुरुषों से वे हमेशा खुश रहती हैं, उनके साथ वफादारी और ईमानदारी से जीवन जीने की भरकस कोशिश भी करती हैं। यानी कि एक लड़की और स्त्री हर हाल में हर कीमत पर अपने पार्टनर का समय और प्यार पाना पसंद करती है। इसके बाद भी अगर कोई लड़की और स्त्री किसी पुरुष से इतना करने के बाद भी खुश नहीं होती है, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो उन्हें खुश कर सकता है या खुश करने की क्षमता रखता हो।